पर आइए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। रतन टाटा को पूरा देश इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें याद कर रहा है। आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त है जब उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके शानदार व्यक्तित्व का भी वो जिक्र कर चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम सभी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। 86 की उम्र में उनके निधन के बाद पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। तिरंगे में लपेटकर पार्थिव शरीर नरिमन पॉइंट पर मौजूद है और 3:30 से 4 बजे तक का वक्त है जब उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं पीयूष गोयल भी उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नरिमन पॉइंट नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में NCPA में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वहीं की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम का वो वक्त जब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार इस बारे में हमारे सहयोगी हमें राजीव जानकारी दे रहे हैं। राजीव एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राजीव अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे इस वक्त अमित शाह की भी हम तस्वीर देख रहे हैं। राजीव राजीव आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस बारे में फिलहाल जानकारी सुरभि जी बताएं। देखिए अमित शाह कुछ मिनट पहले ही अभी पहुंचे हैं NCPA मुंबई के जो कि नरिमन पॉइंट में जहां पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है रतन टाटा का और उनको आखिरी विदाई अंतिम दर्शन कर रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं। और इससे पहले सुबह से ही लगातार VVIPs के आने का सिलसिला जारी है। अमित शाह दर्शन करके जाएंगे, उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद में यानी कि 3:30 बजे के आसपास में पार्थिव शरीर को यहां से वर्ली के शमशान गृह में लेकर जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सौदा गृह होता है उसके जरिए जो है जो अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कि जो एक पारसी रीति रिवाज है। तो राजीव हमारे सहयोगी लगातार इन सीधी तस्वीरों के साथ साथ हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। और आपको बता दें पीयूष गोयल ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल 4:00 बजे का वक्त जब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्माननीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी था। और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सुचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतया पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना,